गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 8 कंपनी, या आप एज ए सेक्शन 8 कंपनी कैसे खोल सकते हैं इंडिया में। आइए उसके बारे में बात करने से पहले हम जानें कि मेनली सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। सेक्शन 8 कंपनी एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जिसके पास गवर्नमेंट की कई एग्जेम्पशंस हैं। बेसिकली ये वो सेक्टर है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चलता है। मैं गौरव शर्मा, CS गौरव शर्मा, मेरा मोबाइल नंबर है 9906942300 और मेरी ईमेल आईडी है gaurav.delhi@gmail.com। आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम समय बर्बाद करें, चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और उसके बारे में बात करते हैं। तो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है सेक्शन 8 कंपनी इंडिया में कैसे स्टार्ट करें। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए या रजिस्टर करने के लिए, देखते हैं। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके मिनिमम टू, मैक्सिमम जो प्रमोटर्स हो सकते हैं मिनिमम टू हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी, पासपोर्ट और पासपोर्ट, फोर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये एक इनमें से कोई भी आप कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं जब आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। यूटिलिटी बिल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ जाता है। ऑफ प्रमिसेस प्रपोज टू बी द रजिस्टर्ड ऑफिस, इट मे बी रेंटेड वन और इट मे बी डिफरेंट वन। इन केस ऑफ प्रमिसेस टेकन ऑन रेंट और लीज, देन अग्रीमेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड विद NOC ऑफ कोर्स दैट यू आर गोइंग टू कैरी सेक्शन 8 कंपनी ऑब्जेक्ट्स ओवर देयर एंड लैंडलॉर्ड डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम और लीज लेजर डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स फॉर दैट एक्टिविटीज। कॉपी ऑफ मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट सपोर्टिंग द एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। दीज आर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग सेक्शन 8 कंपनी अंडर द न्यू रिजिम। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रजिस्टरिंग ए सेक्शन 8 कंपनी इन इंडिया। इज स्टेप वन विल इनकर द अप्लाई फॉर डिन फॉर एवरी डायरेक्टर और एवरी प्रमोटर ओवर द ईयर। सो डिन इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इन द फर्स्ट स्टेप वी विल टेक द कोर्स ऑफ डिन एज कंसल्टेंट्स फॉर यू एंड एडवाइजेज फॉर यू। स्टेप टू इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड बिफोर दैट। ये डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे। फिर स्टेप थ्री इज अप्लाई फॉर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड अदर मेंबर्स। स्टेप फोर फॉर नेम अप्रूवल एंड स्टेप फाइव इज सेक्शन 8 लाइसेंस। एडवांटेज ऑफ सेक्शन 8 कंपनी क्या क्या होती हैं आइए देखते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ए सेक्शन 8 कंपनी कैन बी फॉर्म बाय 2 पर्सन ओनली बाय कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज ऑफ कंपनीज एक्ट। मैनी प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस अंडर कंपनी लॉ इज गिवन ओवर देयर। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑल्सो ओवर देयर। सो अगर देखा जाए तो पहले पॉइंट में दिया गया है 2 पर्सन कंप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं है इतनी ज़्यादा और एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस मिलती हैं कंपनी लॉ के अंडर, और एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी इसकी मेंबर बन सकती है। तो ईजी प्रोसेस एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन। लिमिटेड लाइबिलिटी, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी। इफ एनी लाइबिलिटी अराइजेज देन इट्स मेंबर इज नॉट पर्सनली अफेक्टेड, मेंबर्स आर ओनली लाइबल फॉर अनपेड शेयर्स हेल्ड बाय देम एंड नॉट मोर देन दैट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, जितने शेयर्स हैं, जितनी वैल्यू है, उतने ही लाइबल हैं जो भी मेंबर हैं उसके, इससे ज़्यादा वो अनपेड शेयर्स के लाइबिलिटी को होल्ड नहीं कर सकते। तो लाइबिलिटी इज लिमिटेड एंड नॉट अनलिमिटेड ओवर देयर। सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी। इट रिफर्स टू द स्टेटमेंट दैट कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर कंप्लीटली डिस्टिंक्टिव। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन मैनी केसेज दैट लीगल एंटिटी ऑफ ए कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी और इट्स मेंबर्स आर टोटली डिफरेंट। सो यू कैन नॉट बाइंड दैम द मेंबर्स इटसेल्फ फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी ऑफ सेक्शन 8। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेसर लीगल फॉर्मेलिटीज एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी और अदर सेगमेंट एज वेल। इट इंजॉय स्पेशल एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। ए कंपनी इज सेपरेट पर्सन, सो इट हैव इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज वेल। परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड सैनिटी of any of the member does not affect continuity of the company. So a section 8 company will go on and move on. In case of death of the owner, transfer of shares is easily possible. Tax benefits given to section 8 company is not required to publish its accounts or file several documents. So these are the
ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स ओवर दिए, मतलब आप लोगों को अगर अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी बट पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिविल डॉक्यूमेंट्स में। देयरफॉर इट इज़ इन बेटर पोजिशन देन ए पब्लिक कंपनी टू मेंटेन ए बिजनेस सीक्रेट। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट फ्रेमवर्क ओवर हियर फॉर टैक्सेशन रिजीम ऑल्सो। इफ़ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंप्लायंसेस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो जब आप सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हैं उसके बाद क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। अप्लाई फॉर सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस विच यू आर गोइंग थ्रू विद अ सेक्शन 8 कंपनी। मतलब सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर सर्विस टैक्स लेते हो तो फ्यूचर में आप माइग्रेट कर सकते हो जीएसटी के प्रति, और अगर आपको अभी नहीं रजिस्टर करना तो यू कैन गो फॉर जीएसटी डायरेक्टली। एंड न्यू नॉर्म्स फॉर द जीएसटी इज ऑल्सो कमिंग ओवर देयर टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट। सो आपको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे चाहे कैसे भी हो, बट देर आर नो पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स ओवर देयर। फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी ऑन और बिफोर 30 सितंबर, दिस इज द पॉइंट विच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ टू कंप्लाई विद सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। दीज आर ऑल्सो द थिंग विच यू नीड टू फॉलो अप। मतलब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 आए थे ICSI की तरफ से फ्रेमवर्क होके, तो आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। गेट योर अकाउंट्स बुक्स ऑडिटेड एवरी ईयर टू मेंटेन मिनटेड बुक्स एंड स्टैचुटरी रजिस्टर्स। So you have to make sure that your minutes and your statutory registers are up to date and they are filed formally, or jo bhi documents hain wo must be in good shape or conditions with a proper legal formalities into it. Filing of form MDT-7, AOC-4 and EDT-1 every year. MDT-7, AOC-4 एक तरीके से financial statements और annual return है, और EDT-1 एक तरीके से auditor appointment form है। तो आपको ये तो form file करने ही पड़ेंगे। Appointment of auditor, no intimation is required to be given to ROC in case of first auditor. Form EDT-1 is required to be filed within 15 days of first AGM of the कंपनी। अगर आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं दोस्तों तो कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 8 कंपनी में, बट फॉर्म EDT-1 तो फाइल हो गई होगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द फर्स्ट AGM, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मीटिंग। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड तो आप मुझे दोस्तों कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9909069420, gauravdelhiarav@gmail.com मेरा ईमेल ID है। अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं उस रिगार्डिंग। तो आइए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू गिव यू अ नाइस टॉपिक एलैबोरेशन। दोस्तों मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, एक छोटा सा वीडियो जिसमें सब कुछ है, सारी चीज़ें मैंने कंपाइल करने की कोशिश की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, रिमेन कनेक्टेड।